हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। झारखंड के दुमका जिले में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामे की घटना सामने आई है। घटना जिले के जामा थाना क्षेत्र स्थित वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां नशे में धुत होकर वैक्सीन लेने पहुंचे शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज कर चप्पल से उनकी पिटाई कर दी। इधर इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब युवक द्वारा किए गए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी सिकंदर महतो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दुमका के जामा थाना क्षेत्र के सेजाकोड़ा प्राथमिक विद्यालय स्थित कोविड वैक्सीनेशन पर बुधवार को नशे में धुत होकर सिकंदर महतो वैक्सीन लेने पहुंचा था, लेकिन वैक्सीन मिलने में देर होने के बाद शख्स ने स्वास्थ्य कर्मी और नर्स को गाली देना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते चप्पल उतार कर उसने स्वास्थ्य कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। इधर स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी जामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संचयन को दी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट की जानकारी थाने को दी। ऐसे में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे और मारपीट के आरोपी सिकंदर महतो को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में ANM रीता सोरेन ने पुलिस को बताया कि आरोपी सिकंदर महतो शराब के नशे में आया और स्वास्थ्य कर्मियों से उलझ गया। गाली गलौज करने से मना करने पर चप्पल से कर्मियों की पिटाई करने लगा, जिसके बाद अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।